मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस पाक समाअत फरमाइएगा। अस-सुनन अल-कुबरा में इमाम निसाई की है, किताब सुन्ना अलामा इबन अबी आसिम की है, उसमें आयशा बिनते साद रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अन आयशा ता बिनतुम बिनते साद कालत समेतो, वो कहती मैंने अपने अभी अपने वालिद से सुना, यकूलो समेतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुहफा, जुहफा के दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना, फआखज़ बियद अलीन, नबी पाक ने मौला अली का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, फखताबा, फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया, फहमद अल्लाह ताला, फिर अल्लाह की हमद बयान की, व असना अलैहि, फिर अल्लाह की सना बयान की, अल्लाह की हमद बयान की, फिर अल्लाह की सना। देखें जिक्र करना है मौला अली का, नबी पाक तरीक बता रहे हैं, अली वो है कि उसका जिक्र भी करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये समझो, पहले अल्लाह की हमद करो, अल्लाह की सना करो, रसूल का जिक्र करो, फिर अली की अजमत बयान करो, ये तरीक बताया। फरमाया असना अलैहि, फिर अल्लाह की हमदो सना बयान करने के बाद सुम्मा काल, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगो सुनो लोगो, इन्नी वलीयुकुम, मैं तुम्हारा वली हूँ। नबी पाक ने फरमाया मैं तुम्हारा क्या हूँ, वली हूँ मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा वली हूँ। उसके बाद कालु सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बोले बेशक या रसूल्ला आपने सच कहा, आप ही तो हमारे आका व मौला हैं, आप ही तो हमारे वाली व वारिस हैं। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया, सुम्मा आखाज़ा बियद अलीन फरफ़अहा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली का हाथ पकड़ा और बुलंद करके कहा, ये बुलंद क्यों कर दिया भाई, वो एक तो वहां बुलंद किया ना जहां ऊंटों के पालान बनाए थे ताकि ये भी देख ले वो भी देख ले वो भी देख ले, समझ आई, ये बुलंद करने का भी मकसद यही है ताकि कोई ये ना कहे दूर दराज थे हमें नजर नहीं आया कि क्या हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब भी अली की विलायत का ऐलान किया हाथ बुलंद करके किया, बात समझ आई, फरफा, फिर उनके हाथ को बुलंद करके कहा, हाजा वली जी, ये मैं तुम्हारा वली हूं ना, ये अली मेरा वली। सरकार ने अली क्या है, हाजा वली जी, ये मेरा वली है, ये मेरा वारिस है, और इरशाद फरमाया वल मुअद्दी अन्नी, मेरे किए हुए वादों को ये पूरा करेगा, मेरे काम ये पूरा करेगा। फरमाया याद रखो मेरी जिम्मेदारियों को अली निभाएगा, मेरे बोझ अली उठाएगा, मेरे काम अली पूरा करेगा। ये कौन कह रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम, कौन कह रहा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था ना, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, कुरान में कहा ना कह नबी काफरों से भी लड़ और जंग कर मुनाफिकों से भी और जरा इन पर सख्ती कर। नबी पाक की पूरी जिंदगी में नबी पाक ने काफरों से तो जंग की है, मुनाफिकों से नहीं की, पूरी आप हिस्ट्री इस्लाम की पढ़ लें, काफिरों से नबी पाक ने जंग की है, मुनाफिकों से नहीं की। अल्लाह ने तो कहा था काफिरों से भी कर मुनाफिकों से भी कर, जाहे दिल कुफारा, जिहाद कर लड़ाई कर कुफार से और मुनाफिकीन से, नबी पाक ने नहीं की। क्यों, नबी पाक ने कहा अल्लाह ने कहा तो मुझे है कि मुनाफिकों से भी जंग कर, ये जिम्मा तो मेरा है, हुक्म मुझे है, पूरा अली पूरा कौन करेगा, अली करेगा। तो मुनाफिकों से किसने जंग की, अली ने, काफरों से नबी पाक ने की, और मुनाफिकों से अली को करना पड़ी क्योंकि अल्लाह का हुक्म नबी को था, और नबी पाक ने फरमाया वल मुवद्दी अन्नी, मेरी जिम्मेदारी अली पूरी करे। ये मुनाफिकों से जंग करना भी मोहम्मद की जिम्मेदारी, चूंकि मैं जा रहा हूँ मेरे कंधों पर है, अली को छोड़ के जा रहा हूँ, बेफिक्र जा रहा हूँ, अली है ना, अल्लाह ताला मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैंने तो कहा था इनसे भी जंग करके आना,
तो अर्ज करूंगा मौला तूने खुद ही तो कहा था कि अली तेरी जिम्मेदारी के लिए है, तो अली ने की तो थी मेरी जगह पर। यह है कि मेरे बाद अली मेरा वली है, मेरा वारिस है और मेरी जिम्मेदारियों को अली पूरा फरमाएगा। और फिर दुआ की इन्नल्लाह मवालिन मन वाला हो, फरमाया लोगों सुनो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो इससे मोहब्बत करता है, और फरमाया कि वह मादिन मन आदा हो, और रब उसके साथ दोस्ती नहीं रखता, रब की भी उसके साथ दुश्मनी है जो अली से दुश्मनी रखता है। जो अली से क्या रखता है, अब दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, ये बात समझ आई है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, लेकिन अल्लाह तो जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। तो ये तो पता चलेगा क़यामत वाले दिन कि अली को जो लोग सताते रहे वो दोस्ती में सताते रहे कि दुश्मनी में, कोई बात समझ आई है। हाँ, जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम को परेशान करते रहे वो दोस्ती में परेशान करते रहे कि दुश्मनी में, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वह मादिन मन आदा हो, जो अली से दुश्मनी करे सुन लो अल्लाह का वो दोस्त नहीं है, अल्लाह का वो दुश्मन। इसलिए अहबाबे ग्रामी ये महाफिल, ये मजालिस, ये प्रोग्राम, ये बज़्म इसलिए सजाई जाती हैं ताकि हम अपने मौला, अपने आका, अपने सरदार हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम से इजहार वफादारी भी करें कि हम उनके गुलाम हैं, हम तो अपने आका का नाम लेंगे, और दूसरा हुजूर मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शान वराउल वरा हैं। मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर लूँ, ख़त्म कर दूँ, जल्दी जल्दी हम इसको समेट लें, एक दो अहादीस हैं वो समाज फरमा लें। मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम निसाई की सुनन कुबरा, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुसनद और इमाम अबू याला की मुसनद और इमाम हाकिम की मुस्तदरक और दलाइल नबुवा और बहुत सारी बेशुमार किताबें, इसमें हदीस पाक है कि नबी करीम ला वल्लाहि मा अला ज़हरिल अर्द कुल्लहा अहदुन अला हाज दीन गैरुहा उलाए सलासा। हदीस पाक है, हजरत अब्बास जो नबी पाक के चचा हैं वो बैठे थे सहने मक्का में, एक आदमी बाहर से आया, वो एक मंजर देखता है, मंजर क्या देखता है कि एक शख्स आया, उसने आके ऊपर की तरफ देखा और फिर वो किबला की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, फिर एक बच्चा आया वो उस शख्स के दाएं तरफ खड़ा हुआ, फिर एक औरत आई वो उस शख्स के पीछे खड़ी हुई, तो उन्होंने फिर हाथ बांधे, फिर उन्होंने रुकू किया, उस औरत और बच्चे ने भी रुकू किया, फिर उन्होंने सजदा किया, फिर उस औरत और बच्चे ने भी सजदा किया। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि उसने मुझसे पूछा ये कौन है तीन लोग, हजरत अब्बास नबी पाक के चचा फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा ये जो पहले आया है ना ये मेरा भतीजा मोहम्मद है, ये कहता है कि मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ कि जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, और ये जो बच्चा है इसके दाएं में खड़ा है ये भी मेरा भतीजा है, इसका नाम अली है, और ये जो औरत है इसके पीछे आके खड़ी हुई ये इसकी बीवी है, इसका नाम खदीजा है। और फिर फरमाया अल्लाह की कसम इस रूए जमीन पर इन तीन के अलावा चौथा और कोई नहीं है जो इस दीन पर हो जिस दीन का मोहम्मद ऐलान करता है, ये सिर्फ तीन है इस दीन पर। तो अहबाबे गिरामी इसी को मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि लोगों किसी ने अभी खुदा को सजदा नहीं किया था जब मैंने मोहम्मद के साथ अल्लाह को सजदा किया, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैंने सजदा किया। मौला अली अलैहिस्सलाम अव्वलुल इस्लाम भी हैं और अव्वलुल इबादा भी है, सबसे पहला नमाजी इस रूए जमीन पर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद और सैयदा खदीजा के बाद वो मौला अली मुर्तजा है, वही है। और ईमान की बात तो छोड़ देना, जब अली ही ईमान है तो हम क्या कहें कि वो पैदा कब हुआ तो ईमान कब लाया। इसलिए अहबाबे गिरामी अली खुद ईमान है, और याद रखें जिसके घर में ईमान की विलादत हो जिसके घर में ईमान की विलादत हो तो उस बाप की भी क्या शान होगी, समझ आई।
हाँ उस बाप की भी क्या शान होगी कि जिसके घर में ईमान पैदा हो, जिसको नबी कुल्ले ईमान कहे। और मौला अली अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा करके ईमान नहीं थे, आप पूरे ईमान थे। ये ज़हन में रखिएगा।